उपमंडल स्वार घाट के अंतर्गत नैना देवी में चल रहे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दो ट्रेड बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणा केवल घोषणाओं तक ही सीमित रह गई है। गौरतलब है कि लगभग 7 महीने पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के स्वार घाट में जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से ITI नैना देवी के लिए 2 नए ट्रेड मोटर मैकेनिक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की घोषणा की थी, जो 7 महीने बीत जाने पर भी पूरी नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द ये ट्रेड ITI नैना देवी में चलाए जाएं। उधर इस संस्थान के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस संबंध में DPR तैयार कर निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग सुंदर नगर को भेज दी गई है और विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। एक सर मोटर मैकेनिक व्हीकल है और दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट को उसके बारे में DPR हमारे को लटकाया था, DPR हमने देखी है TT सुंदर नगर को, तो वहाँ से शायद सेक्रेट के लिए सेंसर के लिए और नोटिफिकेशन के लिए गई हुई है, तो जब भी आएगी तो इसके बारे में जो भी संदेश आएंगे तो वैसे भी कार्यान्वयन हो जाएगा। मार्च में सीएम साहब ने पब्लिक मीटिंग स्वार घाट में, हाँ जी सर, तो उसके तुरंत बाद थ्रू डिपार्टमेंट हमने लेटर आया था, हमने DPR जो है डिपार्टमेंट को भेजा। अच्छा जी सर, हमारे पास दो ट्रेड चल रहे हैं, 1+1, एक इलेक्ट्रिशियन और दूसरा ट्रेडर, एक सीनियर ट्रेडर और दूसरा जूनियर, और अभी जो जूनियर ट्रेडर उसकी जो एडमिशन है वो पूरी हो चुकी है और सीनियर ट्रेडर जो है। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए नैना देवी से भरत गौतम।